जी बिल्कुल प्रीति, तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता पंकज ने बीजेपी कार्यालय का जायजा लिया है, वहां कैसी स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। चुनाव में बढ़त के बाद ही भाजपा में किस तरीके से जश्न का माहौल रहा, आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यालय में लगातार कार्यकर्ता नाचते और ढोल जो नगाड़े हैं उनमें नाचते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो जोश है वो साफ नजर आता है। किस तरह आप देखते हैं महिलाएं किस तरीके से मोदी मोदी के मोदी 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 मोदी, आप देख सकते हैं कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं हर तरफ और ये केवल उत्तराखंड की कई सीटों पर है। आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से मोदी मोदी के उसमें डांस कर रही है और ये जुनून जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उत्तराखंड में मोदी की सुनामी थी जिसने कांग्रेस को बहा दिया और बीजेपी को इतिहास की बड़ी जीत उत्तराखंड में दी है। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। तो सभी जगह से जश्न की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, आइए आपको अब सुनवाते हैं कि श्याम जाजू का क्या कुछ कहना है। जनता का मैं अभिवादन करता हूँ, उत्तराखंड की जनता बहुत सोचने वाली समझदार जनता है, उन्होंने उत्तराखंड को बदनाम करने वाले, देवभूमि को वीर भूमि को बदनाम करने वाले लीडरशिप को हराया है, मुख्यमंत्री को दो दो जगह से हराकर जनता ने यह साबित कर दिया है कि इस सरकार के बारे में लोगों को कितना गुस्सा था, कितनी नफरत थी। जब उनके हाथ में मौका आया तब उन्होंने न्याय करके दिखाया है। उत्तराखंड में बीजेपी भारी जीत की ओर बढ़ रही है, जिसे देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भारी उत्साह का माहौल है। बीजेपी की जो महिला कार्यकर्तियां हैं वो, और चलिए ज्यादा बातचीत के हमारे साथ साकेत बहुगुणा बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बधाई देना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी लगातार अपनी जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल यही कि श्रेय किसे देती है, बीजेपी नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी? मैं देखिए सबसे पहले उत्तराखंड की जनता को नमन करते हैं जिन्होंने इतनी भारी बहुमत से बीजेपी पे विश्वास दिखाया है। ये मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की जो नीतियां थी उसका नतीजा है और जनता को हम विश्वास दिलाते हैं कि जो भी वादे बीजेपी ने उनसे किए हैं एक स्पष्ट और साफ सरकार देंगे और हरीश रावत जी का जो भ्रष्टाचार खत्म किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल, चर्चाएं कुल मिलाकर के बहुत है लेकिन एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। बिल्कुल, और इसमें उसमें समाचार प्लस और उमेश जी की बहुत बड़ी भूमिका है जिन्होंने दो सिंह करके हरीश रावत जी का असली चेहरा उत्तराखंड की जनता को भी दिखाया था। तो इसमें समाचार प्लस को भी बधाई देता हूँ कि ये जो लड़ाई हमने पिछले साल 18 मार्च को शुरू करी थी इसमें उन्होंने भी साथ दिया। मतलब आप बीजेपी के साथ साथ और नरेंद्र मोदी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी जीत का श्रेय समाचार प्लस को भी दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने एक जो पत्रकारिता करी, जो चेहरा दिखाया हरीश रावत का जनता को, उसके जनता को निर्णय लेने में भी आसानी होती है। तो इसलिए आपकी पत्रकारिता को मैं बधाई देता हूँ और आज आप आपकी हमारी और बीजेपी की जीत है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के समाचार प्लस का जो स्टिंग था वो बीजेपी के लिए उत्तराखंड में संजीवनी साबित हुआ है। साकेत जी, संजीवनी तो नहीं कह सकते पर यह जरूर कहूंगा कि एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो जो हरीश रावत जी का भ्रष्टाचार चल रहा था, चाहे वो भू माफिया हो, खनन माफिया हो, जिसको बढ़ा रहे थे, आज उत्तराखंड में जो कर्जा लेना पड़ा पहली बार प्रदेश सरकार को उसके नेतृत्व में, उस सब का जो सच आपने दिखाया, ये सब तो समाचार प्लस ने ही दिखाया ना आगे बढ़ के। साकेत जी बिल्कुल, ये इस बात का मैं आपको जो है इसके लिए आपका आभार भी प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने बिना डर के सीएम के साथ लड़ाई लड़ी और उसका आज नतीजा ये है कि सीएम भी अपनी दोनों सीटों को हारा है। जी क्या, मेरे ख्याल से पहली बार होगा कि दो जगह से एक सिटिंग सीएम लड़ा हो और दोनों जगह से हारा हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मोदी लहर को भी मानते हैं साकेत जी कि आज भी मोदी लहर जो है वो खत्म नहीं हुई है? बहुत 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 बड़ा फैक्टर है। देखिए नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप बहुत बड़ी एक फैक्टर है, जो उनका विजन है, जैसे मैंने कहा अमित शाह जी की नीतियां है, जिस तरीके से चुनाव लड़ाया, आज ये 3 साल बाद प्रधानमंत्री के, आप ये कह सकते हैं, लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, ये पहली बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के पक्ष में ऐसी लहर हुई हो और उत्तराखंड ही नहीं यूपी भी ये साबित कर रहा है। कहने की मोदी के साथ साथ शाह की माथापच्ची भी बीजेपी के लिए काम आई आज। बिल्कुल, वो ये मैं कहूंगा वो जो ये भारत को ये साथ पसंद है, ये जो है ये बहुत बहुत अच्छा नेतृत्व दिया जा रहा है और अब उत्तराखंड में भी एक स्पष्ट और साफ सरकार बन जाएगी जिसके लिए जो उत्तराखंड में लोगों ने विश्वास दिया उस पर हम पूरा खड़े उतरे। जी, कुल मिलाकर के साफ जाहिर है कि यूपी में और उत्तराखंड में जिस तरीके से मोदी लहर जो है वो इन विधानसभा चुनाव में भी काम कर गई है।
बिल्कुल कर गई है, इसमें कोई दो संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बीजेपी के लिए आज बहुत खुशी का दिन है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और उत्तराखंड के मतदाताओं को विशेष रूप से हम नमन करते हैं और बधाई देते हैं। जी, अगर हम यूपी की बात करें तो जिस तरीके से 2007 में सत्ता वापसी के लिए मायावती ने एक सोशल इंजीनियरिंग का दाव खेला था, लेकिन इस बार अगर देखें चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से आप अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं, तो अमित शाह ने भी वही गुणा भाग करने की कोशिश की थी पूरी पूरी, तो कहीं ना कहीं इस बार अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग जो है उसने भी काफी हद तक काम किया है। देखिए, मेरा मानना है कि जो बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, कि उसकी जीत है, ये एक अब पहली बार यूपी के विशेष रूप से कहा जाए तो कास्ट और क्रीड से हट के एक बार डेवलपमेंट के लिए वोट पड़ी है। एक बार उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में जो आपने देखा था जिस तरीके से यूपी ने उनका साथ दिया था, आज 2017 में दोबारा वो साथ दिया है और ये रीजन जो मैं कहूँगा सोशल इंजीनियरिंग से ज्यादा एक बार डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ी है। जी बिल्कुल, चलिए, तो बीजेपी नेता साकेत बागुला हमारे साथ थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं ना कहीं वो इस जीत का श्रेय जो है समाचार प्लस को भी दे रहे हैं, क्योंकि समाचार प्लस का स्टिंग